जेट एयरवेज का संकट गहराता जा रहा है, कंपनी डूबने के कगार पर है। कंपनी ने अस्थायी तौर पर ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। कंपनी के पास खर्च चलाने तक के पैसे नहीं है। जेट में काम करने वाले करीब 16,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में कंपनी के शेयर पर भी बुरा असर पड़ा है। जेट के शेयर धारकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। आज जेट का शेयर करीब 31% टूटकर बंद हुआ। जेट का शेयर 216 रुपए पर खोलकर 166 रुपए पर बंद हुआ। एक अनुमान के मुताबिक आज जेट में निवेशकों को करीब 850 करोड़ रुपए डूब गए। उधर एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर किसी के पास जेट एयरवेज का शेयर है तो बेचकर निकल जाए। आज मार्केट खुलने से पहले जेट एयरवेज ने कर्जदाताओं के लिए एक बयान जारी किया, जिसमें बोली प्रक्रिया सफल रहने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद शेयर में गिरावट नहीं रुकी। आज शेयर मार्केट बंद होने पर जेट का मार्केट कैप 1,862 करोड़ पर आ गया, जबकि एक दिन पहले जेट एयरवेज का मार्केट कैप 2,749 करोड़ था। यानी एक दिन में निवेशकों को 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। जेट एयरवेज के संकट को देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। डीजीसीए ने जेट एयरवेज से ठोस रिवाइवल प्लान मांगा है। डीजीसीए सस्पेंड ऑपरेशन को शुरू करने में मदद करने को तैयार है, लेकिन तय नियम कानून के मुताबिक ही वो कंपनी की मदद कर सकता है। डीजीसीए ने कहा है कि दायरे में रहकर ही जेट एयरवेज की मदद की जाएगी। जेट एयरवेज के पास अब आखिरी विकल्प रिवाइवल प्लान ही है। बैंकों से लेकर कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स तक बोली प्रक्रिया से अपना हाथ खींच चुके हैं। हालांकि 16 अप्रैल तक कंपनी के पास हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो ईओआई आए हैं उन पर विचार किए जा सकते हैं। करदारों को उम्मीद है कि नीलामी प्रक्रिया सफल रह सकती है और उन्हें पारदर्शी तरीके से बेहतर वैल्यू मिलने की भी उम्मीद है। खैर, जो भी हो, अब जेट एयरवेज को नया खरीदार ही बचा सकता है, वरना इस एयरलाइंस का भी किंगफिशर जैसा हाल होने वाला है।